हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक नई दवा के साथ आ गए हैं जिसका नाम है डाइजोन और हाइसो एमजी। डाइजोन और हाइसो एमजी टैबलेट का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक ला जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाइजोन और हाइसो एमजी टैबलेट यह ओजोन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। इस टैबलेट का कंपोजिशन है डाइसल्फ्रेम और हाइसो एमजी होता है, जो कि दारू को छुड़ाने का अचूक दवा माना जाता है। दारू इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से दारू को आसानी से छुड़ाया जाता है। यह टैबलेट एक गोली सुबह और शाम में लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति को दारू पीने से दारू का लत लग जाता है तो उसके लीवर में अल्कोहल के मात्रा बढ़ जाता है, जिसे खत्म करने के लिए डाइजोन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। डाइजोन टैबलेट को इस्तेमाल करने से लीवर में बने अल्कोहल की मात्रा को निकालता है, जिसके कारण दारू पीने की इच्छा नहीं करता है। डाइजोन टैबलेट एडल्ट में 20 ईयर्स के बाद दिया जाता है। यह टैबलेट गर्भवती महिलाओं को नहीं देना चाहिए। डाइजोन टैबलेट को खाने से कुछ साइड इफेक्ट होता है, जैसे चक्कर जैसा आना, उल्टी जैसा लगना, भूख नहीं लगना, इन सारी छोटी छोटी समस्या होता है। इसके लिए आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर आपके पति दारू पीते हैं तो बेझिझक डाइजोन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइजोन टैबलेट किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। डाइजोन टैबलेट को खाने से कभी कभी व्यक्ति को मुंह सूखता है, भूख नहीं लगता है, इन सारी समस्या उत्पन्न होता है। अगर डाइजोन टैबलेट अपने हस्बैंड के देना चाहते हैं या अपने पति को देना चाहते हैं तो किसी भी डॉक्टर से सलाह ले ले एक बार, तब उसके बाद ही डाइजोन टैबलेट का इस्तेमाल करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।